राम राम। बहुत सारा लोग पूछता है कि टाटा एल्ट्रोज लें कि नहीं लें, डीजल में लें कि पेट्रोल में लें। तो मैं अभी डीजल का गाड़ी है, टाटा एल्ट्रोज है, और चूँकि इनको तो जानते होंगे रुद्रेश भदौरिया राजा जी, इनका नाम है, इन्होंने ट्रेनिंग मेरे से लिया हुआ है। और ये देखिए मजे की कि ट्रेनिंग 3-4 महीने लिए थे ना, 3-4 महीने मेरे से ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, और इंजीनियरिंग का इन्होंने कोर्स भी करा था। अभी एक स्कूल का एजेंसी इन्होंने ले लिया और इन्होंने गाड़ी परचेज किया है, पास में लेके आओ यार। ये देखो मेरे नाम से लिखवा दिया इन्होंने, उस्ताद जी का आशीर्वाद। सब लोग कुछ और लिखवाते हैं लेकिन इन्होंने लिखवाया उस्ताद जी का आशीर्वाद। देखो इन्होंने मेहनत किया, इन्होंने सिर्फ हमसे 2-3 महीने ट्रेनिंग ली, इसलिए स्वे मेरा नहीं जाता है, इनका खुद का मेहनत ही गाड़ी खरीदे, खुद के मेहनत से। और एल्ट्रोज खरीदे, अच्छा गाड़ी है। एक बार इंजन चेक कर लेते हैं कि जो PS6 इंजन है टाटा के अंदर, वो इंजन में क्या अपडेट है, क्या मॉडिफाई किया गया है। तो उन्हीं सारी चीज़ों पर मैंने वीडियो था, छोटा था, देखते हैं एक बार इंजन बोनट खोलो जरा। और इनका भी चैनल है यूट्यूब पे भाई, अभी राजा के नाम से वो चैनल वापस किया गया नहीं, वो चैनल वापस बंद हो गया, वो चैनल पास में आओ बाद में हो। ये डीजल इंजन है टाटा का, रेवो टॉर्क करके इनका एक फंक्शन होता है, एक सेकंड इसे निकालो जरा। बस सब कुछ EV2 वाला सिस्टम है, कुछ भी बदलाव नहीं है इसमें। मॉडिफाई तो अपडेट के हिसाब से होता रहता है, नहीं बैटरी ये है तो थोड़ा सा बड़ी बैटरी दे देंगे, थोड़ी छोटी बैटरी दे देंगे, ये होता है मतलब मॉडिफाई, अपडेट नहीं है, ये मॉडिफाई है कि बैटरी को थोड़ा बड़ा कर दिए या फिल्टर की साइज थोड़ी बड़ी कर दी या छोटी कर दी, वो मॉडिफाई है, अपडेट नहीं है। इस इंजन के अंदर सिर्फ एक अपडेट है, वो भी एग्जॉस्ट गैस में अपडेट है। और क्यों अपडेट है, इसलिए क्योंकि BS6 है इंजन। अब BS6 में अपडेट कितना तगड़ा दिया है, सिर्फ टर्बो के आगे सिस्टम दिया है इन्होंने, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, जो नोक्स निकल रहे हैं उसमें LNT सिस्टम फिट कर दिया है। और इनसे हम जानते हैं कि ये गाड़ी के अंदर LNT सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। और DPF की सुना है, लाइटें कई बार आ जाती हैं, तो वो क्या, तो ये LNT सिस्टम क्या है जी? देखिए LNT जो सिस्टम दिया गया है इसमें, यह है यूरिया की खपत को रोकने के लिए, यूरिया ना डालें इसमें। जैसे कि आपको बोलेरो वगैरह की जो गाड़ियाँ आती हैं महिंद्रा में, उस पर एक तो बोलेरो 7-सीटर आती है, उस पर यूरिया डलता है, ठीक है, और वहीं पर बोलेरो जो पिकअप आती है उस पर यूरिया नहीं डलता, वो भी BS6 में आ गया, दोनों BS6 हैं, ठीक है। अभी कंडीशंस क्या है, उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया है कि इस पे आपको यूरिया ना डालना पड़े, क्योंकि पैसेंजर कार है, कितना अफोर्ड करेगा इंसान, 55 रुपए लीटर 50 के आसपास वो भी आता है LNT, हाँ, यूरिया आता है मैक्स जो आता है, नहीं यूरिया इसका अलग आएगा, बाकी जो इसके कमर्शियल व्हीकल के यूरिया अलग आता टाटा का, ठीक है। और आपका बोलेरो के लिए मैक्सिक्लीन आता है, ठीक है, मैक्सिक्लीन महिंद्रा वालों का है, और वही आप डालें गाड़ी के अंदर यूरिया, ठीक है, अगर उस पर लगता है। लेकिन इसमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, इसमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये LNT सिस्टम क्या है, LNT लीन नॉक्स ट्रैप्स, जो कि एक ये एक हनीकॉम डिजाइन का होता है, मधुमक्खी के छताने के डिजाइन का, ठीक है, उस पर जिसको मैकेनिकल लैंग्वेज अपन मैकेनिक देसी भाषा में बोले, ठीक है, है ना। तो वो चीज़ क्या होता है, जब इसके अंदर से हम जब धुएं को गुजारते हैं इसके अंदर से, ठीक है, तो वो धुआं जाके इसके अंदर ट्रैपिंग में फंस जाता है, और वही केमिकलाइज्ड भी होता है उसके अंदर। अच्छा। तो उससे जो गैसेस निकलती हैं हार्मफुल गैसेस, वो भी केमिकलाइज होके इसमें तब्दील होके जो गैस निकलती है वो O2 के उसमें तब्दील हो जाती हैं और अदर गैसों में तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए इसमें LNT डाला, कॉस्ट कटिंग करने के लिए, कि इसमें यूरिया का ज़्यादा पैसा खराब ना हो, यूरिया का पैसा खराब ना हो, ठीक है। और ये इसमें जो सिस्टम दिया हुआ है, इसके सेंसर्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें दो सेंसर देख रहा हूँ मैं, ये जो कि हालांकि ये देखो, ये LNT सिस्टम है, लीन नॉक्स ट्रैप्स, ये जो सिस्टम बनाया है, जो एग्जॉस्ट गैस है उसको ट्रैप करता है, उसके जो नॉक्स है उसको ट्रैप करके नॉक्स को जलाता है यहीं के यहीं और उसको बाहर फेंकता है कम नॉक्स। इसका ये दो सेंसर है, क्या कौन कौन से? ये देखिए, एक तो इसका फर्स्ट में सेंसर लगा है, एक बीच में लगा है और एक नीचे लगा है। अच्छा, है ना। तो इनके से अलग अलग डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, इनके अंदर का जो प्रेशर चेक करने के लिए। अच्छा। कि कितना मतलब इसके अंदर जो सूट मास है वो कलेक्ट हो चुका है, है। जब वो कलेक्ट, जब देखते हैं कि जब यहाँ से जब अपनी जो एयर जा रही है एग्जॉस्ट सिस्टम से, तो यहाँ का वो प्रेशर चेक था, फर्स्ट वाला सेंसर ये चेक करता है कि कितने प्रेशर से एयर जा रही है, और जब सेकंड जो सेंसर लगा है उसका, वो ये चेक करता है कि कितने प्रेशर से अब एयर रुकी हुई है, मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम से निकल रही है। तो इन दोनों को देखते हुए DPF सिस्टम अपना चेक करता है कि कब इसको DPF रीजनरेशन पे लेके आना, ठीक है। इस पे DPF रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो है आपकी 3000 RPM में। अच्छा। सॉरी 2000 RPM में रखना है आपको गाड़ी को, 3 नंबर पे आपको रखना है, ठीक है। पहले आपने 3 नंबर लगाया, उसके बाद आपको 2000 RPM में स्पीड में रखना है, 2000 RPM में, और 50 से 80 के बीच में
आपको स्पीड रख सकते हैं 50 से 80 की स्पीड। हाँ, 50 से 80 के बीच ठीक है। कितना किलोमीटर लगा? लगभग 15-20-25 किलोमीटर आपको चलाना होता है। 20 से 25 मिनट आपको चलाना होता है इसको। यदि डीपीएफ की लाइट आती है तो हाँ। अच्छा, सुना है डीपीएफ के साथ में जैसे कि ये एक और अपडेट आए हैं BS6 में, कुछ नया अपडेट भी जो ई करके है, सी करके है, जो वो क्या अपडेट है? कैसे मतलब एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम? हाँ, वो क्या है सिस्टम? देखिए, एग्जॉस्ट आफ्टर सिस्टम तो यही दिया हुआ है आपका BS6 का नॉर्म्स में, इसको जो लेके आए इन लोगों ने BS6 में। तो ये सिस्टम इस पे जो कि जब भी आपने मुझे बताया कि मारुति की गाड़ियाँ क्यों फेल हुई है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो इसका प्राइस बढ़ता है लगभग 1.5 लाख रुपए बढ़ता है जब एक BS6 इंजन तैयार होता है। खाली इधर से एग्जॉस्ट हाँ एग्जॉस्ट सिस्टम। और अगर हाँ, एक डिसबेनिफिट ये भी है, मैं आपको एक बता दूँ, अगर DPF की लाइट जल रही है, कंटिन्यू जल रही है, तो उसको तुरंत आप जाके कंपनी में दिखाएं DPF रीजनरेशन, वो लैपटॉप के थ्रू करेंगे। अच्छा। अगर आप कंटिन्यू चलाते गए तो ये DPF का सिस्टम अगर चोक होता है तो वो पूरा सिस्टम ही चेंज होगा, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, वो पूरा टोटल चेंज होगा, जिसकी कॉस्ट लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये आती है। अच्छा, और इसका मतलब यदि DPF की लाइट आ गई तो या तो खुद आप चला के उसको क्लियर करो कंटिन्यू 20 हाँ। किलोमीटर 25 किलोमीटर या कंपनी में जाकर तुरंत उसे रीजनरेशन। इसकी भी एक अपनी लिमिट है, 34 ग्राम महिंद्रा की होती है। अब इसका देखना पड़ेगा मैनुअल पे कितना है, इसका एग्जैक्ट दिखा रहा है ये 34 महिंद्रा में होता है। अगर आप महिंद्रा में 34 के ऊपर चलाते हैं DPF की लाइट आएगी, और उसके ऊपर भी आप चलाते गए तो DPF हो जाएगा फुल्ली चोक, गाड़ी हो जाएगी बंद, स्टार्ट डिनाइड का ऑप्शन दिखा देगा उसके अंदर DI सिस्टम में, उस पर दिखा देता है DPF फुल्ली स्टार्ट डिनाइड, ठीक है। तो इस टाइप से उसके अंदर सिस्टम आ जाएगा। अच्छा। तो वो उस चीज़ पे भी आप नोटिस करते हुए चलें कि लाइट आपकी बराबर आके चले जाना चाहिए। ठीक, अगर जिस दिन वो फुल्ली चोक हुआ तो ख़त्म, फिर पूरा सिस्टम चेंज होगा उसका। और मारुति ने बस यही एफोर्ड नहीं कर पाया और अपनी डीजल इंजन को बंद कर दिया, और ये डीजल इंजन चलाया मैंने गाड़ी पर, बाप रे बाप, रियलिटी में यार क्या पावर दिया, देख रहे हो कितना चौड़ा इंजन, इनोवा की तरह इंजन दिया हुआ है। ये देखो कितना चौड़ा इंजन है, ये देखो इतना इतना फैला रखा है, और कितना ज़बरदस्त इंजन है। रियलिटी में मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के, और एवरेज 20-22 का टॉप का एवरेज निकाल रही है। क्यों जी? जी, और इंजन से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं? इंजन से रिलेटेड तो कुछ भी शिकायत नहीं है। 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, अभी तक बिल्कुल कंटा पीस है और मस्त चल रही है, बढ़िया पिकअप है। और थोड़ा इधर आ जाओ भाई, दूर करो, थोड़ा सा दूर करो भाई। मैकेनिक भाई बिल्कुल ही ना घबराएं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सर्विस हो जाएगी, BS6 का कोई लफड़ा नहीं है। थोड़ा और दूर करो, बहुत सारे मैकेनिक ये सोचते हैं, माइक देना जरा, बहुत सारे मैकेनिक ये सोचते हैं कि ये BS6 है तो हम कैसे इसकी सर्विस करेंगे यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, गाड़ी में कुछ अजीब तो नहीं है? तो कुछ भी अजीब नहीं है भाई, कुछ भी नहीं अजीब है। तो ये कुछ सिस्टम है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। मिस्त्री भाई लोग जितने भी देख रहे हैं, आ जाओ पास में, देखो सारा चीज़ वही है। देखो पंप भी दिया हुआ है, खटर खटर यहाँ मारने के लिए पंप दिया है, एयर फिल्टर अपना खोल के सर्विस कर लो एयर फिल्टर का। और क्या है, टाइमिंग बेल्ट चेंज करना है, कितना आसान है, ये सारे कवर के बोल्ट खोलो, टाइमिंग बेल्ट चेंज कर दो। और क्या है, ये सारे इंटरकूलर ये रहा नीचे, ये सारे इंटरकूलर साफ कर लो, सर्विसिंग कोई टेंशन ही नहीं है सर्विसिंग का। ये ऑयल फिल्टर किधर गया है इसका? नीचे। अच्छा, नीचे कर दिया आप कंपनी ने, चलो ऑयल फिल्टर यहाँ होता था लेकिन अभी नीचे कर दिया कंपनी ने, और डीजल फिल्टर ये सामने है, डीजल फिल्टर को भी दिखाओ लगे यहाँ, ठीक है। और बाकी कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन ये है कि टाटा जो है अभी अच्छे से अपडेट कर रहा है, बहुत बढ़िया अपडेट कर रहा है। और जिंदगी का रूल है, जिसने अपडेट कर लिया वो आगे हो गया, जो अपडेट नहीं किया वो फेल हो गया। जो दरवाजे का लगता है ना पंच जो आता है, अच्छा दिखाओ जरा इधर कोई दरवाजे, ये मजबूती जो है ना दरवाजे की, अरे गाड़ी चलाया यार, रियलिटी में गाड़ी में क्या जबरदस्त गाड़ी है यार, बिल्कुल देख रहे हो ना गाड़ी का क्वालिटी ऐसे जबरदस्त यार, टाटा रियलिटी में सक्सेस हो जाएगा बिल्कुल ही, कोई टेंशन ही नहीं। जो बिल्ड क्वालिटी इसने दिया है ना, और गाड़ी चला के सस्पेंसर में भूल जाओगे, सीधा हो जाओगे, सस्पेंशन जैसा बनाया है इसका, मैंने काफी गाड़ी चलाई अभी, चला घुमा फिरा के लेके आ रहा हूं, आप देख ही सकते हैं। और कंटिन्यू अभी ये 1200 किलोमीटर मेरे को चल के आई है, तो मुझे DPF जो लाइट आना था वो भी नहीं आई है इसकी, और ऐसा कोई मुझे एरर समझ में नहीं आया कि जिससे मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत आए, सस्पेंशन बहुत जबरदस्त है।
बढ़िया गाड़ी लगी मेरे को भाई, ले सकते हो डीजल में ले लो, बढ़िया डीजल में है, बेस्ट है इंजन ऑयल, डीजल में ले लो डीजल इंजन जो भी एल्ट्रोज क्या है, बाकी पेट्रोल में भी अच्छा अपडेट है, पेट्रोल का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो ठीक है भाई, ये थोड़ा सा रिव्यू था, पेट्रोल का क्या है बताएंगे? पेट्रोल का भी एवरेज लगभग भी 20-22-23 के समथिंग है। अरे क्या बात है, तो फिर ठीक है यार, डीजल में कितना एवरेज है अभी? कंपनी 25 का दे रही है और लगभग हमारा जो आ रहा है हाईवे पे 22-23 के समथिंग। अच्छा, इसकी गाड़ी चलाए कितना? 10,000 चला लिया अभी, 10,000 का। क्या कमी फील हुई है टाटा में? मेरे को छोटी सी कमी फील हुई है। क्या वो है? इसका ग्राउंड का क्लियरेंस हुआ 165 का है, उसकी वजह से थोड़ा गाड़ी लग जाती है, बस वो है, उसमें एक कमी है। अरे क्या बात है यार, और कोई कमी वैसी नहीं? और कोई कमी नहीं, बाकी रिस्पांस है बहुत बेहतरीन। कितना भगा लिए सर टॉप स्पीड? टॉप स्पीड का मेरे पास वीडियो है 165-170 का। अरे क्या बात, और माइलेज अभी क्या निकाल रही है? माइलेज अगर आप बढ़िया रखते हो 80-90 में, तो 20-22 का एवरेज एसी के साथ में दीजिए। तो फिर और क्या चाहिए, फिर और क्या लेंगे? और बढ़िया है, ठीक है। अब बूट स्पेस ठीक है? बूट स्पेस 345 का। अच्छा, दो फोन है मेरे लिए। देखो ये, देखो ये भाई, ये तो PS70 Pro लाइन से PS70 Pro भाई, जिसको लेना है ना बिल्कुल सेल हो गया मामला इधर से। ये देखो PS70 कितने दे दो यार लोगों को यार, थोड़ा रेट सही लगा के दे दो। ये है H6EV भाई, कूल पूल भी लेना हो ना दबा के। ये देखो ये क्या चीज़ है जी? ये है सुपर 2 है, की प्रोग्रामर ये। अरे क्या बात है यार, और ये हैवी कमर्शियल का स्कैनर है, बड़ी गाड़ियों का जाल टेस्ट है ये। अरे क्या बात है, तो सारे ही स्कैनर है भाई, जो स्कैनर चाहिए होगा इनका नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ले लेना यार, बहुत गुड आदमी है। हालांकि अभी स्पॉन्सर नहीं कर रहे स्कैनर का, बस दिख गया तो दिखा दिया, बहुत गुड है। इनसे 3 स्कैनर मैंने इनसे लिया था। और तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं कैसा आपको लगा ये जानकारी, सही लगा तो लाइक वाइक करके शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, गलत लगा तो यही डिसलाइक मार के बंद कर दीजिए वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू।